हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे PGDCA क्या है, PGDCA कोर्स कैसे करें, इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं PGDCA क्या होता है। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। यह एक तरह का कंप्यूटर कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद जब भी किसी जगह कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, इसको दिखा सकते हैं। इसको उसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट की हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और आपकी रुचि कंप्यूटर क्षेत्र में जाने की है, PGDCA फुल सिलेबस आईटी टूल्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, ऑप्स यूजिंग AI, मैनेजमेंट प्रोसेस और OB, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोजेक्ट। PGDCA करने के फायदे क्या क्या है? वैसे तो हम जो भी चीजें हैं उसका हमें फायदा होता है, तो अगर यदि हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं और हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान हमारे लिए बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए जब आप उसको करते हैं तो उसको पूरी मेहनत के साथ करेंगे, और बाद में इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर करें जिससे कि आपको इसका फायदा मिले। वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, नीचे हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं जिससे कि अगर आप इस कोर्स को करने के बाद इसका पूरा फायदा ले सकें। कंप्यूटर की लैटिन एड्रेस, लैटिनिज्म्स, लैटिन नेम, लैटिन से लेकर एडवांस नॉलेज हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब एवं प्राइवेट जॉब में फायदा मिलता है। MCA या MBA जैसे कोर्स में सीधे प्रवेश के पात्र हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में MCA के तीसरा सेमेस्टर में सीधे प्रवेश मिलता है। PGDCA करने के बाद आप अपना कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग क्लास खोल सकते हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे MP ऑनलाइन, बैंकिंग के सायास्क, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंसेज आदि ले सकते हैं। PGDCA के बाद कौन सी नौकरी है? कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एप्लीकेशन विशेषज्ञ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, आवेदन पैकेजिंग प्रशासक, कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषक, वरिष्ठ आवेदन विश्लेषक, अनुप्रयोग समर्थन विश्लेषक, मोबाइल सहायता कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर शिक्षक, आवेदन समर्थन लीड, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस व्यवस्थापक, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क सिस्टम और डेटा संचार विश्लेषक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।